हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं मनीष कुमार और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने जा रहा हूं WRX टोकन के बारे में। और पिछले 24-48 घंटों में इस टोकन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं कि इसकी प्राइस जो है कैसे 2 रुपये से उठ के 12 रुपये चली गई। लेकिन अभी मैं जब वीडियो बना रहा था तो उसकी जो प्राइस करीब करीब 8 रुपये के आसपास है इंडियन करेंसी में। और जो मेन बात है दोस्तों यहाँ पे कि लॉकिंग और अनलॉकिंग की जो चीज़ सामने निकल के आई कि बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि WazirX के साथ चीटिंग कर दिया, धोखा कर दिया कि आप अपना सिर्फ 10% ही यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको अपने WazirX के अकाउंट में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीब करीब 250 मेरे पास WRX टोकन है और इसमें से सिर्फ 25 अवेलेबल है। अब दोस्तों ये जो 250 WRX टोकन मेरे पास आए हुए हैं ये तब मुझे मिले थे जब मैंने इस अपना अकाउंट क्रिएट किया था और पहली ट्रेडिंग की थी। तो उस समय तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इस टोकन को बहुत सीरियसली लेना है या नहीं लेना है, बस अकाउंट में पड़े हुए हैं। लेकिन अब ये देखिए कि जब प्राइस ऊपर जा रही है तो मेरे पास सिर्फ 25 है और ना ही मैंने बाइनेंस के IEO में भी पार्टिसिपेट किया जहाँ पे मैं उसे 0.02 सेंट पे बाय कर सकता था, जो कि अगेन बहुत ही सस्ता प्राइस है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास WazirX एक्सचेंज के ऊपर टोकन है आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइनेंस के ऊपर है तो भी आप उसे ट्रेड कर सकते हैं, BTC या BNB में जाके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन WazirX पे भी आप बस ट्रेडिंग या उसकी फ़ीस वगैरह के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंडियन रुपीज़ में प्रॉफिट निकालना है तो ऑब्वियसली आपको इन दोनों एक्सचेंज से हट के सोचना पड़ेगा, जहाँ पे आपको IEO के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है लेकिन वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट जो है इंडियन रुपीज़ में निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ CoinDCX की। और यहाँ पे दोस्तों 6 तारीख को पाँच तारीख की शाम को मैसेज आया था कि यहाँ पे CoinDCX ने WRX को लिस्ट किया है और उस समय इसकी जो प्राइस थी जब मैंने देखा था उस समय करीब करीब 2.5 रुपये के आसपास थी या 2.25 रुपये के आसपास थी। और कल 7 तारीख को जब मैं सुबह सो के उठा तो प्राइस करीब 11 रुपये थी और दोपहर तक 12 रुपये गई और उसके बाद से इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो नीचे गिरते हुए आ रही है। अगर आप देखेंगे अगर किसी ने CoinDCX पे इससे बाय किया है तो उसे डबल से भी ज़्यादा का प्रॉफिट अब तक तो हो गया होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पे रखने के लिए तो मैं एक बात बस इतना ही बोलूँगा कि जब भी आपको प्रॉफिट 2x, 3x, 4x मिल जाता है तो आपको उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। निकाल के उसके बाद आप फिर से एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं एज अ फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर डायरेक्टली बाय कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं और सब कुछ इंडियन रुपीज़ में। तो यहाँ पे अगर आपको WazirX में एंट्री लेना है तो आप ले सकते हैं, जो प्राइस है वो 8.25 रुपये के आसपास है और ये बेहतर प्राइस है। अगर इससे नीचे भी गिरता है तो 6 रुपये भी जाता है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बाय करके फ्यूचर में इसकी गारंटी क्या है कि जो प्राइस ऊपर जाएगी। 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो WazirX है उसे एक्वायर कर लिया है बाइनेंस ने और जो WazirX टोकन है वो बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ट है। फिलहाल तो ये ERC-20 पे है लेकिन जो बाइनेंस का है BEP-20 उसके ऊपर ये जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे कि बाइनेंस कॉइन की आज की दोस्तों जो कीमत है वो करीब करीब आप देखेंगे $20 के आसपास है और अगर हम इंडियन रुपीज़ की बात करते हैं तो 1600 रुपये के आसपास है। हालांकि बाइनेंस कॉइन बहुत ज़्यादा फेमस है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन WazirX अभी मार्केट में आया है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टॉप लीडिंग क्रिप्टो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे हेडलाइंस आई है कि बाइनेंस का पहला ऐसा ये IEO है जिसने 24 घंटे में 550% का प्रॉफिट दिया है अपने यूज़र्स को। अब जब पब्लिकेशन इतना रिपोर्ट करेंगी, इसके ऊपर न्यूज़ डालेंगे, आर्टिकल्स डालेंगे तो इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। ऊपर से बाइनेंस, अब आप ये समझिए कि एक्चुअली बाइनेंस ही, जब बाइनेंस से एक्वायर कर लिया तो ये अब ये बाइनेंस ही है। तो फ्यूचर में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो प्राइस वो $1, $2, $5 कितना जाएगी, लेकिन इसका जो ग्रोथ है वो अच्छा है। दूसरी बात अनलॉकिंग लॉकिंग वाला, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। पहले हम बात करते हैं ये सही क्या है। सही दोस्तों ये है कि अगर वहाँ पे 100% अनलॉक हो जाएगा तो लोग इसके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सारा का सारा कॉइन डंप कर देंगे और फिर ये शिट कॉइन के अलावा और कोई कॉइन बन के फिर एक शिट कॉइन बन के रह जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे आपको जो लॉकिंग है, लॉकिंग का जो सीन चल रहा है, अगर आपके पास कुछ अच्छे खासे अमाउंट में WazirX कॉइन WazirX एक्सचेंज के ऊपर है आप इसे वहीं पे छोड़ दीजिए। टाइम बीइंग के लिए आप CoinDCX में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाय करके
बेचिए, रखिए, जो करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन बात ध्यान रखें कि CoinDCX पे दोस्तों आप इससे बाय और सेल कर सकते हैं, यहाँ से ना ही आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं, ना ही आप यहाँ पे कोई टोकन फिलहाल डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब आपको जो भी करना होगा इसी एक्सचेंज से बाय करना होगा, इसी एक्सचेंज पे सेल करना होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो कन्फ्यूजन है कि ये लॉकिंग अनलॉकिंग वाली क्लियर हो गई होगी। अगर आपके पास है आप इसे वहाँ छोड़ दीजिए। अगर आपको प्रॉफिट लेना है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए तो CoinDCX पे जाके आप इसे बाय सेल कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी, और हाँ मैंने ये सुबह सुबह उठ के बस मोबाइल पर रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि मुझे जल्दी से अपडेट करना था और वीडियो रिकॉर्ड करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे मोबाइल के थ्रू कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे थम्सअप कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई सुझाव है, सवाल है WazirX टोकन से रिलेटेड, कमेंट में पूछिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।